रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई है तीन काले कानून की। रास्ते तो खुल नहीं चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। NH9 है, so we are opening that, NH24 भी खुला जाएगा। और रास्ते खुलेंगे भाई, हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग ऑलरेडी हटाई जा रही है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स जो हैं 26 जनवरी से चल रहे हैं, सो आज हमारे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट। जैसे आदेश आए वी रिमूव्ड इट। हमारे जो हाईवे बैरिकेडिंग है उसको रिमूव किया जा रहा है। हमारे तो कंटिन्यूइंग लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स हैं 26 जनवरी से, सो जिस तरह से चल रहे हैं वी कंटिन्यूड विद दैट। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे। और रास्ते खुलेंगे भाई, हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे। रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी, और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुल नहीं चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे। हमारे पे कोई आरोप नहीं लगने, ना हमने रास्ते रोक रखे, ठीक है। हम भी दिल्ली चलेंगे अपने ताम झाम लेके, पहले भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर से, मेरठ से या बाहर से चला रहा, वो दिल्ली ना गया हो, ठीक है। ना रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ वो आज भी लोग आ जा रहे। कोई हार जीत किसी की नहीं, रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई है तीन काले कानून की, उसकी लड़ाई है। अब सरकार को कुछ और नहीं मिला, कह लगे भाई इन्हें रास्तों में वो कर लो, तो ये हम रास्ते रोकने वाले लोग हैं, ये हमारा रास्ते रोकने का उसका काम है। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, जिन किसान की फसल नहीं बिखरी हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है।